दोस्तों सैटरडे को 2022 ट्वेंटी टू मिड यू एस ए प्रो कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया था एक स्मॉल ग्रुप ऑफ क्लासिक फिजिक कम्पिटिटर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया न्यू मैक्सिको में ताकि वो क्वालिफिकेशन गेन कर पाएं टू द ट्वेंटी ट्वेंटी टू ओलंपिया और एंड में कैमिलो डियाज ने टाइटल को हासिल किया कैमिलो डियाज फर्स्ट शो में अपियर हुए ऑन सन्डे इन ट्वेंटी ट्वेंटी टू लास्ट ईयर डियाज ने सिक्स टाइम्स पार्टिसिपेट किया था वो सेवन्थ प्लेस हासिल किया था एट कैलिफोर्निया प्रो एंड इंडी प्रो दूसरी तरफ डायरेक्ट डसियांकी ने भी पार्टिसिपेट किया विद द होप कि वो इस कॉन्टेस्ट पर टॉप प्लेस पर आएँ वो पिट्सबर्ग प्रो और हार्ट ऑफ टेक्स में भी लास्ट सीजन में पार्टिसिपेट कर चुके हैं फुल रिजल्ट्स अनाउंस हो चुके हैं फ्रॉम द शो इस शो में क्लासिक फिजिक डिवीजन ही डिस्प्ले पे थी फ्रॉम द ओपनिंग फुल रिजल्ट्स की बात करें तो फर्स्ट प्लेस पर रहे कैमिलो डिया सेकंड प्लेस पर आए हैं कैलविन हाइंडे थर्ड प्लेस पर डायरेक्ट डिजैंसकी फोर्थ प्लेस पर डाइनो एस्ट्राडा एंड फिफ्थ प्लेस पर आए हैं जॉर्डन मोर 2022 ट्वेंटी ओलंपिया से पहले बहुत से प्रो कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किए जाएंगे ताकि वो एथलीट्स जो ओलंपिया में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करने का एक चांस अचीव कर पाए ऐसा लग रहा है कि ट्वेंटी ट्वेंटी है बहुत सारी डेथ के साथ इन द स्पोर्ट ऑफ बॉडी बिल्डिंग बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी में बहुत से लेजेंड्स और एथलीट्स की डेथ हो चुकी है इस ईयर के स्टार्टिंग में ही अनफॉर्चुनेटली पॉल पोलोजैक की डेथ हो चुकी है एट द एज ऑफ थर्टी सेवन दिस टाइम अभी उनकी डेथ का एग्जैक्ट कॉज नहीं पता चला है लेकिन पॉल की डेथ हो चुकी है जो कन्फर्म्ड है और वो अपनी यंग डॉटर और वाइफ को पीछे छोड़ चुके हैं पॉल एक आई एफ बी बी प्रो बॉडी बिल्डर थे फ्रॉम पोलैंड और इनकी डेथ की न्यूज़ इनके स्पाउस ने ही सोशल मीडिया पर शेयर की है जिनका नाम है कैथरीन डिनेव इन्होंने ये न्यूज शेयर की अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर और साथ में एक हार्ट रेंचिंग कैप्शन भी शेयर किया था अपनी डेथ के कुछ फ्यू आवर्स पहले ही पॉल पोलजैक ने एक एन वर्ल्ड वाइड चैम्पियनशिप को अटेंड किया था औरिजिनली पॉल पोलजैक पोलैंड से आते हैं लेकिन उन्होंने अपनी मेजर लाइफ को जर्मनी में स्पेंड किया सॉकर वाज पॉल्स फर्स्ट लव ऑफ एथलेटिसिज्म और उसके बाद उन्होंने वेटलिफ्टिंग भी ज्वाइन की और उनका इंटरेस्ट बन गया बॉडी बिल्डिंग में एट द एज ऑफ सिक्सटीन पॉल ने ज्वाइन किया रिनाउंड पावर हाउस जिम फ्रेंचाइजी को इन जर्मनी इन 2002 थाउजेंड टू लेटर ऑन वो इसी के प्रॉपर राइटर भी बन गए पॉल पॉल जैक ने फर्स्ट जूनियर चैंपियनशिप बॉडी बिल्डिंग कम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था एट द एज ऑफ सेवनटीन और कुछ सालों के बाद पॉल ने मैनेज किया टू क्लेम इम्प्रेसिव सेकेंड प्लेस फिनिश एट द जर्मन चैम्पियनशिप इन द सुपर है ट्वेंटी टवेल्व उसके बाद इनका करियर स्टार्ट हो चुका था और ये बेटर होते गए ईयरस बाईर इसके बाद पॉल ने बहुत से कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट भी किया और रिसीव किया अपना प्रो कार्ड इन 2017 आफ्टर विनिंग अर्नॉल्ड क्लासिक एमेचर टूर्नामेंट इन ओ इनका नेक्स्ट कंपटीशन था न्यूयॉर्क प्रो और अर्नॉल्ड क्लासिक इन 2018 कुछ देर के लिए पॉल ने बॉडी बिल्डिंग से ब्रेक ली थी और कम किया एट द आई एफ बी प्रो इन ट्वेंटी और सिक्सटीथ प्लेस पर आए उसके बाद ये रिटर्न नहीं कर पाए क्योंकि कोविड आ चुका था इसलिए इन्होंने कॉन्टेस्ट में डिले किया पॉल पोलोजैक की डेथ का एग्जैक्ट कॉज अभी अननोन है लेकिन बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी में ऐसे डेथ्स होना बढ़ता ही जा रहा है ईयर बाय ईयर बॉडी बिल्डिंग को डेफिनेटली कुछ स्टेप्स लेने चाहिए एथलीट की लाइफ की क्वालिटी की तरफ और क्या मिस्टेक्स वो परफॉर्म कर रहे हैं उसके लिए उन्हें गाइड करना चाहिए सबस्टांस का अब्यूज़ और रेगुलर चेकअप्स एट द डॉक्टर अवॉइड करना ऐसा लगता है कि ये मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स हैं दोस्तों आपके क्या थाट्स हैं अबाउट दिस आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं